दोस्तों कैसे हैं आप सभी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भारत पे क्रेडिट कार्ड के अंदर कैसे आप लिमिट ले सकते हैं। जो कि स्क्रीन पे आप देखिए कि मुझे यहाँ पे भारत पे क्रेडिट कार्ड के अंदर जो कि 10,000 रुपए लिमिट मिली है, तो इसको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कैसे आपको भी लिमिट मिलेगा अगर आपका लिमिट अभी जीरो है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत पे के अंदर क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, उस वक्त मुझे लिमिट नहीं मिली थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि लिमिट के लिए आपको कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है, वो सारी तरीका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत पे के अंदर क्रेडिट लिमिट कैसे आप अप्लाई करके जो कि ले सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए कि 10,000 रुपए मुझे मिले हैं, जो कि भारत पे की तरफ से 10,000 रुपए मिले हैं। भारत पे क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट जो मुझे मिली है वो 10,000 रुपए मिली है। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो वो सारा तरीका इस वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही स्किप करके आप सभी नहीं देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। एक भी स्टेप यहाँ पर आप मिस कर जाते हैं तो हो सकता है आपको लिमिट नहीं भी मिल सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर भारत पे एप्लीकेशन जो कि ओपन कर लिया हूं। ओपन करने के बाद गाइज आप सभी को पता है कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस होते हैं इनके। तो चलिए यहाँ पे एक कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं गाइज, कार्ड लिखा हुआ है, हम इस वाले पर क्लिक करते हैं। करने के बाद जो है गाइज कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएंगे, तो यहीं पे आपको कार्ड अप्लाई करने का जो कि ऑप्शन मिलेगा। जो कि थोड़ा नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज के लिखा हुआ है अनलॉक अप टू 1 लाख क्रेडिट बैलेंस। यहाँ देख सकते हैं गेट नाउ का ऑप्शन है, यानी अप्लाई का ऑप्शन है। चलिए हम इस वाले पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज जो कि ओपन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं गाइज साफ लिखा हुआ है गेट भारत पे वर्चुअल कार्ड इंस्टेंटली, यानी आपको इंस्टेंट मिल जाएगा क्रेडिट ऑन कार्ड अप टू 1 लाख रुपए, जो कि 1 लाख रुपए यहाँ पे आपको मिल सकता है। नो सिक्योरिटी, नो पेपर वर्क, इंस्टेंट अप्रूवल यहाँ पे हो जाता है। तो मेरा पैन नंबर जो कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कि फिल है, मेरे भारत पे एप्लीकेशन के अंदर मैं ऑलरेडी जो कि लोन पहले ले चुका हूँ, इसलिए मेरा पैन कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी फिल है। बस आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको इंटर योर सॉफ्ट ऑफिस पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, और डालने के बाद इस चेक बॉक्स में जो है आपको क्लिक करना है, और नीचे चेक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, इस वाले पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल लिया हूँ, चलिए इस बॉक्स में चेक मार कर लेता हूँ। करने के बाद जो है गाइज यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, हम इस वाले पर क्लिक करेंगे। तो करने के बाद यहाँ पर कुछ देर जो कि आपका प्रोसेसिंग में रहेगा। सो गाइज यहाँ देख सकते हैं भारत पे कार्ड विथ क्रेडिट लिमिट जो कि 10,000 रुपये मुझे मिल गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे 10,000 रुपये जो कि मुझे मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आप पढ़ सकते हैं, 10,000 रुपये मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, क्लेम नाउ का ऑप्शन है, इस वाले पर क्लिक करेंगे, और करने के बाद जो है गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल डेट फर्स्ट ऑफ मंथ, जो कि महीने के 5 तारीख का आपको यहाँ पर बिल पेमेंट करना है, और यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज जो कि आपको नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पे टाइम से इनका रीपेमेंट करते हैं तो कोई भी चार्जेस यहाँ पर आपको नहीं लगेंगे। अगर यहाँ पर लेट करते हैं तो कुछ लागू यहाँ पर कुछ फीस जो कि आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ नीचे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इस वाले पर क्लिक करेंगे, और करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो कि एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिक यहां पे वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद यहां वेरीफाई लिखा हुआ है, हम इस वाले पर क्लिक करेंगे, और करने के बाद जो है गाइज यहां देख सकते हैं कि मेरा लिमिट जो कि 10,000 रुपये मिल गए हैं। सो चलिए हम यहां से फिर से कार्ड पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइज मेरा लिमिट जो कि पहले ज़ीरो था, अब यहाँ देखिए कि 10,000 रुपये जो कि मुझे मिल गए हैं, मेरा लिमिट जो कि यहाँ शो हो गया है। यहाँ नीचे भी देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट जो कि 10,000 रुपये। इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वह मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ कि आप भारत पे का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया हूँ कि इसमें आप क्रेडिट लिमिट जो कि कैसे ले सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ जो कि 10,000 रुपये मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखाया हूँ। दोस्तों भारत पे के अंदर मैं ऑलरेडी पहले भी यहां से लोन ले चुका हूं, जो कि 10,000 का ही मैं यहां पे लोन भी लिया था,
जिसका मैं रीपेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ। 10,000 का लोन लिया था उसका मैं रीपेमेंट कर चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप जो है भारत पे क्रेडिट कार्ड के अंदर भी अब आपको लिमिट मिल जाती है, काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर देखिए मुझे यहाँ पर 10,000 रुपये जो कि आप लोगों के सामने मैं लाइव प्रूफ लेकर दिखाया हूँ। तो दोस्तों आपने देखे कि कैसे मैं इसके अंदर जो कि आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे 10,000 लिमिट जो कि लेकर दिखाया हूँ। पहले मेरा भी 0 था, लेकिन अब मेरा लिमिट जो कि आप सभी को पता चल गया है कि 10,000 रुपये मिले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस अमाउंट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस अमाउंट को इस्तेमाल नहीं करना आता है तो वो तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि इस लिमिट को आप कहां कहां कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।